सो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं देसी जड़ी बूटियों के बारे में। गाइस आप लोगों को पता नहीं होगा, आपने देखी है पर इसका यूज करना नहीं जानते, लेकिन स्टार्ट करते हैं गाइस। तो गाइस देख सकते हैं ये है चरोल। तो गाइस इसका इलाज क्या है गाइस, अगर आपको दाद खुजली कुछ भी है इसको मड़ी कर इसका रस निकाल कर जहाँ पर दाद है वहाँ पर इसका रस जो है ना डाल दीजिए, फिर देखना गाइस आप लोगों की दाद जो है ना एक ही बार में लगाने से साफ हो जाएगी। और नेक्स्ट आप लोगों का मुंह फूल जाता है ना, ये जवान फूल जाती है कई बार, उसके लिए भी इलाज है। देखना आप देख सकते हैं गाइस ये है छिलिया, इसको तो गाइस ये वाली घंटी रहती है ना, ये वाली इसको घंटी बोलते हैं, इसको जो है ना ऊपर का हिस्सा ये वाला, देखो मैं बताता हूँ ये ऊपर का हिस्सा जो है ना आप लोगों को खाना है। खाकर मुड़ा के उसका रस जो है ना आपको पी जाना है, आपका मुंह जो है ना फूला होगा पूरे में ठीक हो जाएगा गाइस। और गाइस आप लोगों ने ये केवच का पेड़ तो देखा ही होगा, ये वाला इसके जो पत्ते जो है ना तोड़कर मरोड़कर अगर आपको कभी भी चोट लग जाए खून निकल आए तो ये और ये इजीली मिल जाता है। लेकिन एक और बताऊंगा गाइस, ये इसे बोलते हैं घमरा, ये घमरा ये भी और ये दोनों बराबर वर्क करते हैं चोट पर, अगर आपको कहीं भी लग जाती है इसको मड़ी का इसका रस जो है ना उस चोट पर डाल लेना और बिल्कुल खून बंद हो जाएगा, आपको आराम मिलेगा चोट पर। सो नेक्स्ट गाइस ये है नीम, इसके 3-4 पत्ते जो है ना आप लोगों को खाना है, 3-4 नहीं पूरे 5 पत्ते खा जाओ गाइस, आप लोगों के पेट में जो चुनुना रहते हैं ना गाइस चुनुना इनको खा जाओ, वो चुनुना खत्म हो जाएंगे, आपका पेट जो है ना ठीक हो जाएगा पूरी तरह, आप स्वस्थ हो जाओ गाइस। अब कुछ नेक्स्ट लेवल की चीज दिखाते हैं आप लोगों को, बने रहना। जैसे कि गाइस आप लोगों ने ऐसा पेड़ शायद ही कभी देखा होगा गाइस, ये डॉट की स्याही का पेड़ है, हाँ लिखने वाली डॉट की स्याही का पेड़, इसके बीज होते हैं गाइस काली काली ये दिख रहे हैं, ये मैं हाथ में तोड़ के बताऊंगा, ये देखिए गाइस मैं हाथ में मड़ी के बताता हूँ गाइस, इनका कलर जो है ना नीली डॉट की जैसा रहता है, ये पहले जमाने के लोग जो है ना मोर के पंख में लगा के करते थे, क्यों है ना गजब बिल्कुल धमाकेदार। को ऐसी वीडियो देखनी है और इस वीडियो पर अगर मुझे ज्यादा प्यार मिला तो गाइस इससे अच्छी अच्छी बेटर वीडियो बनाऊंगा और इतनी सरल जड़ी बूटियों के बारे में बताऊंगा गाइस आप लोगों को भी दंग रह जाओगी। सब्सक्राइब कर देना प्लीज।